अस्सलाम यमुना, वालेकुम, कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह से आज हम सेट पे मौजूद हैं आपके। हाँ, नायाब के। तो मैंने सोचा यमुना से मजे मजे के सवाल पूछूं मैं आज। बिल्कुल, आपका इंटरव्यू वैसे थोड़ा डिफरेंट सा होता है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, हालांकि होते तो वही सवाल है, लेकिन आप कुछ बन करते हैं, किस तरह से रिप्लाई करती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये स्क्रिप्ट आया था, बिकॉज आपकी डेब्यू फिल्म नहीं है। हाँ। माशाल्लाह से आपकी भी और उसामा की भी। हाँ। तो आपको डर लगा थोड़ा बहुत कि यार मुझे डेब्यू कर रही हूँ ड्रामे, तो मेरे फैन अलग है। एग्जैक्टली, सेफ होता है ना, तो बंदा कहता है यार क्या करना है। बट इरफान, ऑनेस्टली मुझे स्क्रिप्ट इतना पसंद आया कि मैंने कहा कि यार अगर फिल्म करनी है तो मैं यही कर लूँ बस। ओह, अच्छा मुझे एक पहली बात बताएं कि कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है जहाँ हमेशा डिफरेंट कैरेक्टर करती हैं और इतना हिट हो जाता है माशाल्लाह से। ना, तुम लकी हो, तुम्हें डिफरेंट मिलते हैं। पता नहीं, शायद अभी मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची नहीं हूँ कि मैं लकी हूँ या मेरी सिलेक्शन इतनी अच्छी है या प्रोड्यूसर्स को लगता है कि यमुना को डिफरेंट कुछ देना चाहिए। बिकॉज ओवर द ईयर्स मैंने वाकई काफी डिफरेंट, मुझे लगता है बहुत दिल से और मेहनत से काम करती हैं और कैरेक्टर को ऑन करती हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपके कैरेक्टर में आपके काम ही दिखता है, जो आपकी अच्छी बात है। इस फिल्म में जब आपने डेब्यू के लिए यस कहा, आप कैमरे को देखे। अच्छा, जब आपने फिल्म के स्क्रिप्ट आया और जब आपको लगा कि कास्ट में ये लोग हैं, तो कुछ चॉइस थी कि नहीं नहीं मुझे इस तरह काम नहीं करना, या यू वांट के नहीं आई थिंक आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट फवाद खान, मोहम्मद फवाद खान, हु इज प्लेइंग माय ब्रदर्स कैरेक्टर अक्का। ही इज एब्सोल्युटली ग्रेट एट द केमिस्ट्री आई एम शेयरिंग विद हिम इज डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू लव इट। दूसरा, उसामा के साथ वाज अ वेरी फ्रेश पेयरिंग। मैंने बहुत पहले उनके साथ काम किया था, जावेद सर, 2019 में आपने इनका एक सीन भी किया था। मैंने उसामा के साथ किया था, ही इज टैलेंटेड। हुमा नवाब एंड जावेद शेख साहब, लाइक प्लेजर टू वर्क विद। ट्रू, वेरी ट्रू। सो भाई, असल तो भाई मुझे नायाब के साथ काम करने में मजा आ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि यस। अच्छा, मुझे लगता है कि आप स्कूल में क्या थी, ऐसी जैसे स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, बच्चे होते हैं, कभी भी नहीं ना? नहीं, आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, बट नेवर, आई नेवर प्लेड क्रिकेट, नेवर एवर इन माय लाइफ। आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, बट सीखना पड़ा इसके लिए, और जब मैंने सीखा और खेला तब तो बहुत मुश्किल लग रहा होता था। लेकिन उसके बाद खत्म हो गई तो क्रेविंग होती थी कि एक मेरे कोच मुझे कहते थे यमुना, बॉल जब लगे ना बैट के सेंटर पार्ट पे, तो ना उसको कहते हैं द बॉल इज किसिंग द बैट, शुड किस द बैट। सो एक आवाज जो आती है ना, अच्छा मुझे एक बड़ी अजीब सी लगती है बात कि हमारे जो है मेल स्पोर्ट्स स्टार को हाईलाइट किया जाता है, फीमेल स्पोर्ट्स स्टार को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो कभी आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया था इस कैरेक्टर के लिए, या आपको कोई पास आपके कोई सेलिब्रिटी आए थे या कोई स्पोर्ट्स स्टार आए थे, या आपको लगा कि मुझे सिर्फ आई थिंक ये कुछ मैं किसी को पाकिस्तान के लिए की है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और खेले जाने वाला स्पोर्ट है क्रिकेट, और लोगों के ना सिर्फ दिल जुड़े हुए, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए लोगों के क्रिकेट के साथ। और मुझे अब इस क्रिकेट खेलने और सीखने और इसकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वी हैव वेरी लेस रिसोर्सेज फॉर मेन, फॉर वुमेन, लाइक ख़वातीन क्रिकेट और बंदों की क्रिकेट के लिए बहुत लेस रिसोर्सेज हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, उनका सारा टाइम जो है वो सारा कब तक वो स्ट्रगल रहने वाला है। सो मुझे बहुत कदर बढ़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, उनको बहुत, क्योंकि वो लाखों में से वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसमें बेसिकली कैरेक्टर आपका एक है स्पोर्ट्स स्टार का, जो स्पोर्ट्स पर्सन का है, स्ट्रगलिंग लड़की जो कि क्रिकेट खेलना चाहती है, देखना चाहती है। और बाकी एक बात मैं आपको बताती हूँ, वो आप सिनेमा में आके देखिएगा, जो बाकी की चीज़ है इंशाल्लाह तो हम देखेंगे जरूर। कैसा लगा काम करते हुए सबके साथ? हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्ट के साथ? हाँ, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं भाई, ही डेविड एंड एग्नेस,
They both are amazing, amazing people, and I'm so proud of them that they've invested in this film and they've chosen this narrative and script. Secondly, Umair Nasir Ali, the director of the film, he was outstanding. He was so nice and gentle on set. हमारे मुझे पता भी नहीं चला और मुझे तब पता चला जब मैं एडिट पे पहुंची. मुझे पता भी नहीं चला जब हमारी शूट हो रही थी तो मैं कह रही थी कि अच्छा ये इतना इजी है. अच्छा फिल्म को दिमाग में सोचा हुआ था कुछ क्या होगी, बट ये कि ऑल टुगेदर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद एंटायर टीम ऑफ नाया. सो डू यू थिंक दिस फिल्म विल हिट द बॉक्स ऑफिस? बिकॉज हमारे फिल्में ऐसी बहुत कम बनती हैं जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं. अभी रिसेंटली हमने वक्री देखी है, और भी बहुत अच्छी फिल्म थी. आपने देखी वक्री? मैंने देख भाई, आई वॉज इन प्रमोशंस एंड आई वॉज ट्रैवलिंग. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सिनेमा स्क्रीन्स तो है ही हैं, लेकिन ऑल टुगेदर अगर जैसे हमारे ऑडिटोरियम्स हैं, हमारे डिफरेंट हॉल्स हैं, वहाँ पे भी अगर प्राइवेटली स्क्रीनिंग करवाई जाए, डिस्ट्रीब्यूटर करें या कोई ऑर्गेनाइज करके विद थोड़े कम पैसों का टिकट देके उनको दिखाया जाए, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू इनिशिएट कि लोग जो हैं वो हर तरह के लोग जो है वो फिल्म आए देखें. एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए. और आपको लगता है कि जैसे फिल्म पाकिस्तानी बन रही है फिल्म इंडस्ट्री में, डू यू थिंक जैसे ये फिल्म क्या ये फिल्म इंटरनेशनल रिलीज होगी? बिल्कुल होगी. 2nd of February, 26th of January जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज हो रही है, और 2nd of February रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह. इंडिया में रिलीज होने का इम्कान है इनका? इंडिया में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इतने अच्छे फैंस हैं, एंड आई लव देम, एंड आई रियली विश के वो देख सके. बट डेफिनेटली किसी ना किसी तरह कोई ना कोई जरिया तो बनेगा देखने का. यमुना, आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन फिल्म पाकिस्तान में दिखाई जानी चाहिए? बिकॉज सिनेमा के अभी फैसल कुरैशी ने इस वीडियो में बोला था कि उनको दिखानी चाहिए इंडियन फिल्म पाकिस्तान में फॉर द रिवाइवल ऑफ सिनेमा. हाँ, फॉर द रिवाइवल ऑफ सिनेमा. इंडियन के अलावा और भी डिफरेंट फिल्म्स जो के ईरानी फिल्म फेस्टिवल हो गए, इतने अच्छे कोरियन फिल्म्स जो है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं, इंडियन फिल्म्स हैं, तो सिलेक्टिव कुछ फिल्में ज़रूर दिखानी चाहिए और सब लोग आए देखें, इंजॉय करें, क्योंकि फिल्म जो है वो इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पीपल आर क्रेविंग फॉर दैट. सो या इंशाल्लाह. हमने दो परफॉर्मेंस देखी इसमें, फरियाल की और एक आपकी, वो तो बड़े मजे की थी. कैसी थी? निगर जी का जो था वो, कैन यू डू सम फ्यू स्टेप्स फॉर अस थोड़े से? नहीं, वो तो मैं तो यकीन करी मैंने नायाब के लिए, मेरे कजन ऐसे करते हैं थोड़े से, लेकिन वो गाना नहीं था ना, बट वो ज्यादातर जब मैं कर रही थी तो वो जरा इस तरह था ना, कुछ हाथ कर करके. Wonderful. आपको कैसी लगी फरियाल के साथ काम करते? फरियाल वाज सच अ ग्रेट एनर्जी ऑन सेट. और भाई, एक तो वो बहुत ही अच्छी डांस करती हैं, डांसर हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन जो सेट पे इतनी मुश्किल शूट थी हमारी शैंडी के गाने की, और भाई उस बंदी की एनर्जी वाज ऑल ओवर, दैट वाज हर सॉन्ग, एंड वो सारे कैमराज उन्हीं पे थे, सारी अटेंशन सारी एनर्जी भी उन्हीं की लग रही थी. तो हमारे तो इंसर्ट्स लिए जा रहे थे, तो मैं तब देख रही थी कि फरियाल इज पुटिंग सो मच एफर्ट टू द थिंग, और आई वाज हैप्पी दैट शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फिल्म एंड शी हैज डन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड शैंडी. इंशाल्लाह. आपकी फेवरेट लाइन कौन सी इस पूरी फिल्म में? एक लाइन याद हो आपको? इरफान, ये लाइन जो थी ट्विस्ट है पूरी फिल्म, मुझे बहुत सारी लाइनें याद आ रही हैं. एक लाइन वो कहती है, बहन कहती है कि तुम ये खेल के क्या उखाड़ लोगी? हाँ, जब उखाड़ूंगी ना तब देख लेना, वो लग पता चल जाएगा. ग्रेट, थैंक यू सो मच यमुना, आपका टाइम लेने का बहुत शुक्रिया. हम बड़े एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए. सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.